नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और नवी अर्थशास्त्र में संसाधन के रूप में लोग, इसका अगला पार्ट हम लेने वाले हैं। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का क्या महत्व है किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, वो इस टॉपिक में हम दोस्तों पढ़ेंगे। जैसे कि स्टार्ट करते हैं, फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना है। फर्म से मतलब व्यापार करने वाली वो संस्था। क्या आप सोचते हैं कि कोई भी फर्म ऐसे व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित होगी जो खराब स्वास्थ्य होने के कारण स्वस्थ श्रमिकों के बराबर कार्य नहीं कर पाए? मतलब कि क्या कोई ऐसी फैक्ट्री या ऐसा व्यापार होगा, या खेत ही ले लीजिए जहां मजदूरों की जरूरत होती है, तो कौन व्यक्ति अपने खेत में ऐसे मजदूर लगाएगा जो कि अस्वस्थ हैं, बीमार हैं? क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति के बजाय तो वो कम काम कर पाएंगे। ऐसे ही फैक्ट्रियों में, दुकान पे, कहीं भी स्वस्थ कर्मचारी यदि है तो वो अधिक से अधिक कार्य कर पाएगा, और स्वास्थ्य अगर खराब है उसका तो वो अधिक क्षमता पर कार्य नहीं कर पाएगा। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। तो किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य जो होता है वो अपनी अधिकतम क्षमता, कि आपका काम करने की क्षमता क्या है। क्या यदि आप स्वस्थ रहे तो लगातार 8 घंटे तक काम कर सकते हैं, परंतु अस्वस्थ रहा व्यक्ति तो कम काम कर पाएगा, 2-4 घंटे ही कार्य कर पाएगा। तो एक तो स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है कि क्षमता, कार्य क्षमता अधिक होती है उसकी, प्लस बीमारियों से लड़ने की ताकत, कि भाई छोटा मोटा जो बीमार वगैरह बुखार वगैरह होता है वो तो ऐसे ही ठीक हो जाता है, और हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो रोगों से लड़ने की ताकत तभी बना पाएंगी जब हम स्वस्थ रहेंगे। किसी संगठन के लिए, अब यहाँ पर देखा है, जैसे अस्वस्थ लोग किसी भी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं। संगठन मतलब कि जैसे एक क्रिकेट टीम है, आपके क्रिकेट टीम में 11 लोग खेल रहे हैं, उसमें से 2 बीमार हैं, तो उन 2 की वजह से टीम हार सकती है। उसी प्रकार फैक्ट्री है, उसमें काम कुछ करने वाले कुछ लोग अस्वस्थ हैं, तो उन अस्वस्थ लोगों की वजह से पूरी फैक्ट्री को नुकसान हो सकता है। इसलिए ये लाइन बोली गई है कि अस्वस्थ व्यक्ति किसी भी संगठन के लिए बोझ बन जाता है। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। मतलब यदि आपको खुद का कल्याण चाहिए तो स्वस्थ होना आवश्यक है। इसलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। कोई भी देश है, यदि सबसे पहली प्रायोरिटी, तो सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है उसकी क्या होती है, कि मेरे देश के लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें और अधिक से अधिक पोषण वगैरह इनको मिलता रहे। देखिए, विलासिता की चीज़ें जैसे कि बिल्डिंगें, कारें, ये सब बाद में होता है, परंतु सबसे प्रथम होता है स्वास्थ्य। तो प्रत्येक देश, प्रत्येक अर्थव्यवस्था चाहती है कि उसकी जनसंख्या स्वस्थ रहे। हमारी राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य भी जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। हमारे देश की राष्ट्रीय सेवाएं, मतलब हमारी सरकारें जो काम करती हैं, वो भी इसीलिए काम करती हैं कि जो गरीब लोग हैं, जिन तक सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं, उन पर उन लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रॉपर मिल पाए। उसके अलावा पौष्टिक आहार वगैरह, जैसे कि सोसाइटी से गेहूं, चावल अच्छी किस्म के मिले, या हम देखते हैं कि बच्चों को मिड डे मील, मध्यान्ह भोजन मिलता है, तो वो अच्छी क्वालिटी का मिले, ये सब कोशिशें सरकार की रहती हैं। पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सेवाओं के लिए अपेक्षित एक विस्तृत स्वास्थ्य आधारित संरचना और जनशक्ति का निर्माण किया है। मतलब हमने जो क्षेत्र पढ़े थे, प्राथमिक क्षेत्र जहां प्रकृति से संसाधन मिलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र मतलब कि जहां पर हम चीज़ों को, प्रकृति प्रदत्त चीज़ों से कोई और चीज़ का निर्माण करते हैं, और तृतीयक क्षेत्र जहां पर सेवाओं का व्यापार होता है। तीनों क्षेत्र में जनशक्ति निर्माण का कार्य किए हैं। अब यहाँ पर एक फैक्ट दिया हुआ है, इन उपायों को अपनाने से, जो पिछले 5 दशकों में हमने कई योजनाएं बनाई है उनको अपनाने से जीवन प्रत्याशा बढ़कर 2011 में 66 वर्ष अधिक हो गई है। मतलब कि पहले जीवन प्रत्याशा, एक एवरेज व्यक्ति कितना साल तक जीवित रहता है, तो 66 वर्ष हो गई है 2011 तक। शिशु मृत्यु दर 1951 के
147 से घटकर 2012 में 42 पे आ गई है। 1951 में जन्म लेने वाले जो शिशु हैं वो एक साल के अंदर अंदर 1000 में से 147 शिशु मर जाते थे, परंतु अब वह मृत्यु दर कितनी हो गई है 42, मतलब कि 1000 में से 42 बच्चे ही मृत्यु 42 बच्चों की ही मृत्यु होती है, बाकी को बचा लिया जाता है। किस कारण से? स्वास्थ्य सुविधा के कारण से। इसी अवधि में अशोधित जन्म दर गिरकर 22.1 और मृत्यु दर 7 पर आ गई हैं। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और शिशु देखभाल में सुधार देश के आत्मविश्वास को भावी प्रगति के साथ आंकने के लिए उपयोगी होता है। यह मतलब कि जिस देश की शिशु दर और जीवन प्रत्याशा अच्छी है, शिशु दर कम है और जीवन प्रत्याशा अधिक है, तो हम कहेंगे कि उस देश की अर्थव्यवस्था उसकी स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिक से अधिक ध्यान देती है। आयु में वृद्धि आत्मविश्वास के साथ जीवन की उत्तम गुणवत्ता का सूचक है। आयु में वृद्धि यदि होती है कि व्यक्ति 66 साल की बजाय और 70 साल जीने लगे, तो उससे लोगों में आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ ठीक है, जो भी बीमारी हो जाए डॉक्टर संभाल लेंगे। शिशुओं की संक्रमण से रक्षा तथा माताओं के साथ बच्चों की देखभाल और पोषण सुनिश्चित करने से शिशु मृत्यु दर घटती है। जैसे अभी कई प्रकार की योजनाएं सरकार की ओर से चलती हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 6000 रुपये जो प्रसव के दौरान है उनको दिए जाए, या आंगनबाड़ी से उनके लिए दलिया भेजा जाता है, दवाइयां उनको मुहैया करवाई जाती हैं, बच्चा जब होता है उसको टीके टाइम टू टाइम लगवाए जाते हैं, उसके पोषक आहार के लिए ध्यान दिया जाता है। तो सरकार ये सब योजनाओं का ध्यान रखती है जिससे कुपोषण जैसी बीमारियां या मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर जो है वो कम हो सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्वास्थ्य में हमें एक टेबल दी हुई है जिसमें बताया गया है कि 1951, 81, 2001, 2010 और 2013 में स्वास्थ्य की सुविधाएं, उपकेंद्र, स्वास्थ्य केंद्र कितने थे, औषधालय तथा अस्पताल कितने थे। औषधालय मतलब कि मेडिकल, जहां पर औषधि मिलती है, सॉरी मेडिकल स्टोर जहां पर औषधियां मिलती है, दवाइयां मिलती है। और अस्पताल कितने थे, बिस्तर, एक अस्पताल में कितने पेशेंट की सुविधा थी, डॉक्टर कितने थे और नर्सिंग कर्मी मतलब कि कंपाउंडर या जो डॉक्टर की हेल्प करने वाले लोग 51 से 81, 2001, 2010, 2013 में कितने दिए हैं, ये सब आंकड़ों के द्वारा समझाया गया है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और फैक्ट दिया हुआ है स्वास्थ्य के बारे में। भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जिनमें ये मौलिक सुविधाएं भी नहीं है। भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज हैं। केवल 4 राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल है। अब देखिए, भारत में कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मेडिकल सुविधाएं बहुत कम है, मतलब जिला स्तर पर भी वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, ऐसे भी कई राज्य हैं। कॉलेज की बात करें मेडिकल कॉलेज की, तो एक फैक्ट यहां पर दिया हुआ है कि भारत में कुल 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज है। केवल 4 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कुल राज्यों से अधिक मेडिकल है, मतलब कि कुल राज्यों में यदि 381 मेडिकल कॉलेज है तो इनसे अधिक, इनमें आधे से अधिक, मतलब कि इनके आधे जितने भी होते हैं उनसे अधिक कॉलेज तो केवल इन 4 राज्यों में है। तो ये हालतें हमारे देश में है, मतलब कि स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत कमजोर है कुछ राज्यों में बहुत अच्छी सुविधाएं भी हैं। तो स्वास्थ्य यदि सही रहेगा तो अर्थव्यवस्था भी किसी भी देश की सही रहेगी, यह इस बिंदु में, इस पॉइंट में समझाया गया है। अगला पॉइंट बेरोजगारी हमारा होगा दोस्तों, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।